स्वागत है मम्मी की रसोई में। नमस्ते, आपका स्वागत है मम्मी की रसोई में। ये है बैंगन, मैंने धो के रखे हैं। ये है प्याज, एक बड़ा प्याज, एक बड़ा प्याज, 10 से 15 कली लहसुन के, अदरक का टुकड़ा छोटा सा। अब मैं इसको पेस्ट बनाऊंगी। मैं इसमें डालने वाली हूँ, दोनों डाली अदरक और लहसुन और इसमें प्याज, इसका पेस्ट बनाऊंगी। मैं अब मसाले को भूनूंगी, पहले सौंफ डालती हूँ, फिर इसी में जीरा डालता हूँ। आधी छोटी चम्मच मेथी, तो कम में करें, तेज पे जल जाता है, गैस को धीमी करें, धीमी में अच्छे से सिक जाता है, चलाते रहना है नहीं तो हो जाएगा। ये मसाला हम क्यों तैयार कर रहे हैं, बैंगन के अंदर ही ये मसाला मारा जाएगा। धनिया को भी भूजना पड़ता है, हल्दी भी डालनी पड़ती है, आधी चम्मच हल्दी। इसको भी 2 मिनट तक धनिया और हल्दी को भूज कर अलग निकाल लें। लाल मिर्ची खड़ी, 4 लाल मिर्च भूज गए धनिया मिर्ची जो हमने भूनी है, इसको भी हम अभी पीसेंगे मिक्सी के जार में। मिर्ची भी डालेंगे 4। देख सकते हैं ये जो मसाला हमने भूना था तवे पे, उसको पीस लिया। हम ये मूंगफली का तेल यूज कर रहे हैं, ये हाई फ्लेम पे। आप जो भी खाते हो उसमें भी भून सकते हैं। ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको पहले इसको भूनेंगे। सबसे पहले हींग डालेंगे, 2 चुटकी हींग। मम्मी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी। अब 1 चम्मच जीरा तेल में डालेंगे, 1 चम्मच कढ़ाई में, 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 घंटे तक जल्दी हो जाए। प्याज और लहसुन के पेस्ट में हमने भुना हुआ मसाला और लाल मिर्च डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला। अब इसमें पानी डालूंगी। ये हमारा मसाला बनके तैयार हो रहा है। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला होता, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच नमक भी डालते रहेंगे मसाले में। अच्छी आती है, अच्छे से भून जाता है।
आंच में भूनना चाहिए। इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख दे रहे हैं, तब तक ये मसाला अपना पूरी तरह से इसमें देखो तेल छोड़ने लग गया। मसाला जब भुन जाता है ना तो तेल छोड़ता है, अच्छी खुशबू आने लगती है। 10 मिनट में मसाला रेडी, बंद कर देते हैं। अब उसमें बर किसी बर्तन में डालते हैं, इसको ठंडा करके किस तरह से कट करना है देख लीजिए। चार भागों में इसको काटना है। सभी बैगन को चार भागों में इसको काटना है। ये सारे बैगन कट गए। मसाला हमारा ठंडा हो गया। बैगन के अंदर इस तरह से हाथ से चाकू से किसी से भी भर सकते हैं। मसाला बचा है जो अभी चीज़ इसी के ऊपर डालेंगे। कढ़ाई में टाइम लगता है, एक बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए चलाते रहना है थोड़ा सा, वरना ये जल जाएगा। जो भरवल का मसाला बचा था आप मैं इसमें डाल दें। अब इसमें नमक डालेंगे आधी चम्मच। Thank you.
अब गैस बंद कर दी है, अब इसको सीधे हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, आप इसे कर सकते हैं।